हेलो, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हमारा विंट्रेडर का 6.0 वर्जन है। तो अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है जिंग का, तो इसमें आप देख सकते हो ऊपर 223.50 ये लाइव मार्केट रेट है। तो इसमें जो आप देख सकते हो रेड डाउन एरो सेल सिग्नल है, ग्रीन कलर की अप एरो बाय सिग्नल है। जैसे ये सिग्नल्स आते हैं ना, ये ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं, तो जैसे सिग्नल्स आते हैं सेम टाइम पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, इसी तरह की पॉपअप मैसेज आएगा हमारे स्क्रीन के अंदर, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ। तो इसके अंदर वो लिखा हुआ आ जाएगा किस रेट पे हमें बाय करना है, किस रेट पे सेल करना है, वैसे हमें लिखा हुआ आ जाएगा। जितना भी चार्ट हमने ओपन किया है इसमें किसी में भी कोई भी सिग्नल आ गया तो लिखा हुआ आ जाएगा, ये रेट पे हमें बाय करना है, रेट पे सेल करना है, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन भी यहाँ पे है, ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन। ये रेड लाइन डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन लाइन अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। ये ट्रेंड जैसे सडन चेंजेस और ट्रेंड में सडन चेंजेस होगा तो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ट्रेंड लाइन चेंज वैसे हमें लिखा हुआ आ जाएगा। एंड जो सिग्नल के बारे में मैंने आपको बताया रेड एंड ग्रीन कलर के आ रहे ऑटोमेटिक सिग्नल्स है, जैसे सिग्नल्स आते हैं अलर्ट के अंदर इसी तरह आ जाए, बेल साउंड के साथ अलर्ट आते हैं। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट ट्रेड करने से पहले हमें इसका कंफर्मेशन चेक करना चाहिए। कंफर्मेशन मीन्स अभी आप देख सकते हैं जिंक ऑलरेडी सेल में जो कंटिन्यू चल रहा है, जैसे हमें कोई सिग्नल फ्रेश सेल सिग्नल्स आते हैं सिग्नल आते हैं तो इसमें सेल एंट्री करने से पहले फर्स्ट कंफर्मेशन सेल का ये कंफर्मेशन चेक करने के लिए हमने कुछ फिल्टर्स नीचे दिया, आप देख सकते हैं फिल्टर वन, ट्रेंड फिल्टर टू, ट्रेंड फिल्टर थ्री एंड उसके ऊपर सजेशन। ये चार फिल्टर्स हैं, ये चार में से कम तीन फिल्टर सिग्नल के फेवर में आना चाहिए। तो अभी ये सेल सिग्नल एक्टिव है, तो ये सेल करने से फर्स्ट कंफर्मेशन में चेक करना है ट्रेंड फिल्टर वन में। तो फिल्टर वन में आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम यहाँ पे दिया है M5, 5 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट एंड 1 आवर। तो ये चारों टाइम फ्रेम एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि जो टाइम फ्रेम हमने ट्रेड करने के लिए सेलेक्ट किया है वो टाइम फ्रेम सिग्नल के फेवर में आना चाहिए। अभी ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के अंदर अगर सेल सिग्नल एक्टिव होगा तो फर्स्ट कन्फर्मेशन फिल्टर वन में M5 के नीचे देखिए वो सिग्नल के कलर आना चाहिए, अगर वो सेल सिग्नल होगा तो M5 के नीचे भी रेड कलर आना चाहिए, वो फर्स्ट कन्फर्मेशन है। सेकंड कन्फर्मेशन ट्रेंड फिल्टर टू में नीचे चार एरोज हमने दिया है, वो चारों में से कोई भी दो एरो, चारों आना ज़रूरी नहीं है, इतना ट्रेंडी मार्केट होगा तो चारों एक साथ इसी तरह पॉजिटिव मिलेगा, अगर ये नहीं होगा तो कम से कम दो एरो रेड डाउन होना चाहिए, वो सेकंड कन्फर्मेशन है। थर्ड कन्फर्मेशन आपको चेक करना चाहिए ट्रेंड फिल्टर थ्री में, फिल्टर थ्री में ट्रेंड वन एंड ट्रेंड टू यहाँ पे दो ट्रेंड लिखा है, तो वो दोनों होना भी ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा ट्रेंडी मार्केट होगा तो ये सभी एक साथ पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा तो कोई भी एक तो बेरिश होगा तो भी चलेगा। ये तीनों कन्फर्म है, तो ट्रेंड फिल्टर वन, ट्रेंड फिल्टर थ्री एंड ट्रेंड फिल्टर वन टू थ्री, ये तीनों फिल्टर कन्फर्म होगा तो दैट मीन्स वो सिग्नल कन्फर्म है, तो मार्केट रेट पे हम इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन सम रेयर कंडीशन में, रेयर केसेस में ये ट्रेंड फिल्टर थ्री कन्फर्म नहीं मिलेगा, तो ये दोनों जगह पे हमें कन्फर्मेशन अगर सेल होगा तो यहाँ पे बेरिश होना चाहिए, तो यहाँ पे बेरिश नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि सीधे ऊपर आप चेक कीजिए सजेशन, सजेशन में सजेशन वन एंड सजेशन टू लिखा है, इसमें से कोई भी एक सजेशन शॉर्ट ट्रेड आना चाहिए, अगर फिल्टर थ्री कन्फर्म नहीं होगा तो सजेशन से कीजिए, सजेशन में कोई भी एक सजेशन तो शॉर्टेड होना चाहिए, अगर फिल्टर थ्री कन्फर्म है तो ये सजेशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीन कन्फर्मेशन चेक करके डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो सजेशन चेक करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार हमने ट्रेड लिया तो इसका नेक्स्ट हमें इसका स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस और बाय एंड फॉर सेल लिख दिया है, ये बाय एंड सेल करने का प्राइस नहीं है, ये स्टॉप लॉस लेवल है, अगर हमने सेल किया तो सेल का स्टॉप लॉस फॉर सेल में आ जाएगा, अगर हमने बाय किया तो बाय का स्टॉप लॉस बाय में आ जाएगा, मतलब जो सिग्नल अभी प्रेजेंटली एक्टिव है उसका स्टॉप लॉस आपको यहाँ से फॉलो करना चाहिए। एंड थर्ड हमें इसका टारगेट के लिए टारगेट बुक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये
चार्ट के अंदर कुछ लाइंस हैं, बीच में एक ब्लू लाइन है, उसके ऊपर भी तीन लाइंस हैं एंड इसके नीचे भी तीन लाइंस हैं। तो ये ब्लू लाइन के नीचे जो तीन लाइंस हैं, दिस इज़ अ फर्स्ट टारगेट फॉर सेल, दिस इज़ अ सेकंड टारगेट एंड दिस इज़ अ थर्ड टारगेट। अगर सेल सिग्नल एक्टिव होगा तो ये ग्रे लाइन में फर्स्ट टारगेट, उसके नीचे सेकंड टारगेट, उसके नीचे थर्ड टारगेट एंड उसके ऊपर जो आ रहा है ना ये ब्लू लाइन के ऊपर, ये फर्स्ट टारगेट ऑफ बाय, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, इसी तरह तीन टारगेट आ जाएगा। इसमें भी हमें देखना है कि हम जो एंट्री करते हैं, एंट्री के टाइम पे आप चेक कीजिए कि क्या टारगेट यहाँ पे है, मतलब जो एंट्री के टाइम पे जो फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट टारगेट पे एक्सिट करना चाहते हो, फर्स्ट टारगेट के यहाँ पे देखिए कि उस समय क्या रेट दिखा रहा है, वही टारगेट हमें बुक करना। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट नीचे जाते हैं ना, तो उसके हिसाब से टारगेट रीसेट करके देगा। तो हमें एंट्री करते टाइम पे अगर फर्स्ट टारगेट है, या अगर आप रिस्क उठाना नहीं चाहते तो हमेशा सेकंड, मैक्सिमम होगा तो सेकंड टारगेट में एक्सिट करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह ये ट्रेंडी मार्केट नहीं होगा हमेशा। तो रिस्क उठाना नहीं चाहते तो यू कैन एक्सिट विद फर्स्ट या सेकंड टारगेट। एंड अगर हमने फॉर एग्जांपल एक सिग्नल पे हमने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद हम फर्स्ट टारगेट आ गया, हमें एक्सिट किया, एक्सिट करने के बाद भी मार्केट फिर से ही नीचे जा रहा, तो वहाँ पे हम री एंट्री करने का भी ऑप्शन है। तो री एंट्री का सिग्नल भी यहाँ पे मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी फॉर एग्जांपल, यूरो यूएसडी यहाँ पे मैंने ओपन किया है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, यूरो यूएसडी वीक बेरिश क्रॉस ओवर शॉर्ट वन लॉट, यहाँ पे लिखा है कितने रेट पे वो शॉर्ट करना, इसी तरह प्राइस इस तरह ये अलर्ट के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर इन केस जिंग हमने ऑलरेडी यहाँ पे बीच में हमने हमारा प्रॉफिट आके हमने एक्सिट किया, उसके बाद भी मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसी तरह की अलर्ट भी आपको मिला, तो आपको नीचे आप उस एंट्री री एंट्री करने से पहले आप चेक कीजिए कि ये फिल्टर्स हैं, उस समय तीन फिल्टर नहीं है, चारों फिल्टर कंफर्म होगा तो वहाँ पे हम री एंट्री कर सकते हैं। मैंने फ्रेश एंट्री के लिए कहा था कि कम से कम तीन फिल्टर कंफर्म होगा तो वहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप री एंट्री कर रहे हैं तो री एंट्री में चारों फिल्टर पॉजिटिव कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि हम री एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे मे बी रिवर्स होने की मे बी चांस है, तो इसलिए हमें चारों फिल्टर कंफर्म होगा तो हम वहाँ पे हम री एंट्री कर सकते हैं, मार्केट रेट पे री एंट्री कर सकते हैं। जो रेट पे आपने एंट्री किया ना उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर आपको स्टॉप लॉस भी देगा, टारगेट भी मिलेगा। एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट किया है, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 50, 30, 1 आवर, 4 डेली, वीक एंड मंथ। तो अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो हमेशा फर्स्ट या M5 या 50 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट पे हम इंट्राडे कर सकते हैं। एंड अगर आप पोजीशन ट्रेड करना चाहते हो तो डिपेंड्स आप कितने दिन के लिए रखना चाहते हैं, अगर आप मैक्सिमम एक या दो दिन के लिए रखना चाहते हो तो पोजीशन रखना चाहते हो तो 30 मिनट पे कर सकते हैं। अगर आप एक पोजीशन एक 3-4 दिन के लिए वेट करना चाहते हो तो H1 में कर सकते हैं, अगर आप एक 1 वीक, 2 वीक ऐसे वीक वाइज रखना चाहते हो तो 4 आवर में कर सकते हो, अगर उससे भी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन होगा तो यू कैन फॉलो डेली का चार्ट, तो डेली के अंदर देख सकते हैं। डेली मीन्स लॉन्ग पोजीशन है, एक मंथ, 2 मंथ वैसे होल्ड कर सकते हैं हम। तो डेली के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय सिग्नल है, वो भी 21st December लास्ट 2017 21st December को हमें जो बाई मिला है 209.45 पे, वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये इंट्राडे एंड पोजीशन दोनों में हम कर सकते हैं। तो इसमें उसी हिसाब से हम टाइम फ्रेम को सेट करना है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली सेल सिग्नल में यहाँ पे मिला था 226.45 का वो सेल सिग्नल है, और अभी इसमें इतना नीचे आ गया है मार्केट, एक्चुअली लो मारा है 2170 का, मतलब 2645 से अभी 2170 काफ़ी नीचे आ गया मार्केट, ना प्रॉफिट में आ गया ऑलरेडी। अभी भी आप देख सकते हैं फिल्टर्स अभी कन्फर्म ही है, दैट मीन्स और नीचे जाने की चांस है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे रिस्क उठाना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इतना नीचे आ गया, 21 तक नीचे आ गया, दैट मीन्स 2170 तक नीचे आ गया, दैट मीन्स अभी मे भी रिस्की होगा। तो ओवर ट्रेडिंग करना मीन्स अभी हमारा ट्रेड फिल्टर के हिसाब से अभी भी पॉजिटिव है, नीचे जाएगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग तो अभी ऑलरेडी हम प्रॉफिट में ना, तो हमेशा सेफ साइड ही देखना है, तो ओवर ट्रेडिंग में भी
लॉस होने की चांस है, तो वहाँ पर हमें सेफ साइड है, हमेशा प्रॉफिट में होगा तो एक्सिट करना ही चाहिए। एंड यहाँ पर डाटाज हैं, यह हमारा सॉफ्ट है, ऑल द फिनेंशियल मेजर फिनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फॉरेक्स एमसीएक्स है, एमसीएक्स का पूरा कमोडिटीज है, इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट भी है, मतलब रनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं। एंड इसमें एनएससी का कैश है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, करेंसीज है, एग्री कॉमेक्स एंड फॉरेक्स एंड एमसीएक्स के अंदर हमने यहाँ पे एक प्रीमियम का दिया है, जैसे ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, तो वो भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक एंट्री में हमारा मेन चार्ट के अंदर अगर आपको एक बाई या सेल सिग्नल मिला, तो आप ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी, वो सेम चार्ट का ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का चार्ट भी ओपन करके देखिए, तो उसमें भी सेम डायरेक्शन, दोनों में सेम डायरेक्शन होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर जिंक का चार्ट में अगर सेल सिग्नल है, सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर ने सेल कन्फर्म सेल दिया, तो अगर आप एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए यू कैन चेक इट इन प्रीमियम, तो उसके अंदर आप सिंग का ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का चार्ट ओपन करके देखिए, अगर वो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का भी चार्ट डाउन ट्रेंड में चढ़ने लगा, तो 100% हमारा जो मेन चार्ट है वो मार्केट वो चार्ट के अंदर जो सेल सिग्नल मिला का डेफिनेटली वो नीचे जाएगा। तो इसके लिए हमने ये डाटा भी इसमें इंक्लूड किया है। एंड इसमें हम हमारा सॉफ्टवेयर का वर्शंस है, ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली 2009 से हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एवरी ईयर हम सॉफ्टवेयर से अपडेट करके देते हैं, तो ये विंटरडा का फर्स्ट वर्शन है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो ये वर्शन यूज़ कर सकते हैं, मतलब छोटा छोटा ट्रेड करके एक्सिट करने के लिए ये वर्शन में आप ये वर्शन यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको जैसे हम सिग्नल को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, जैसे आप ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप सेकंड वर्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, जो नीचे जो लाइंस है ना, ऊपर का नहीं, नीचे जो लाइंस है अभी रेड है ना, तो रेड मीन्स आप वहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। जो जब तक ये रेड लाइन ब्लू में कन्वर्ट होगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन यूज इन ट्रेडिंग है, इसमें कोई सिग्नल्स नहीं फॉलो नहीं करना है, सिग्नल्स भी नहीं मिलेगा, जैसे ट्रेंड फॉलो करके इसमें हम बाई सेल कर सकते हैं। एंड मार्केट का कितनी परसेंट अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पर इसी तरह डिस्प्ले होते जाएगा। इसी तरह एक एक ईयर में हम एक वर्शन अपडेट करते हैं, मतलब सेम वर्शन में ही कंटिन्यू सेम इंडिकेटर्स ही लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ से अपडेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर के सिस्टम में इस तरह हम कोडिंग करके ही देते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। एंड इसके बाद ये फोर्थ वर्शन भी काफ़ी अच्छा है, साइड वे सॉफ्ट, अगर मार्केट साइड वे ज़रा सा भी साइड वे में होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा साइड वे। इसके बाद फिफ्थ वर्शन इसमें एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा वर्शन था, लेकिन इसमें ज़रा रिस्क ज़्यादा है, इसलिए हम ये अभी रिस्क उठा सकते हैं, तो 100% जो नीचे जो टारगेट 1, 2, 3 जो डिस्प्ले हो रहा है ना, 100% गारंटी के साथ हम बता सकते हैं कि ये तीनों टारगेट अच्छे होते हैं, लेकिन उतना रिस्क ज़्यादा है इसमें, क्योंकि एक वोलेटाइल मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज ये यूज़ किया तो 100% ये तीनों टारगेट गारंटी है, तीनों टारगेट अच्छी होगा। सिग्नल जस्ट सिग्नल को ट्रेंड को फॉलो करना, जैसे हमें अभी फॉर एग्जांपल हम सेल करना चाहते तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन रेड आना चाहिए, उसके बाद ऊपर जो ट्रेंड दिखा रहा है ना वहाँ पे भी ट्रेंड डाउन होना चाहिए। एंड जो यहाँ पर जो सेल है ना वहाँ पे सेल लेवल लिखा डिस्प्ले हो रहा है ना, उसी तरह सेल लेवल ही आना चाहिए, मतलब फर्स्ट ये ट्रेंड लाइन रेड आना चाहिए, ट्रेंड डाउन होना चाहिए एंड सेल लेवल डिस्प्ले होना चाहिए। ये तीनों एक साथ पॉजिटिव होगा तो दैट मीन्स वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, मार्केट में जो रेट है वो रेट पे हम सेल कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस डिस्प्ले हो रहा है वो फॉलो नहीं करना चाहिए। वो कैसे फॉलो करना है वो यहाँ से हम एक ट्रेनिंग सेक्शन में आपको फुल एक्सप्लेन करके दें कि ये वर्शन में कैसे ट्रेनिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है। एंड एक डबल कन्फर्मेशन के लिए जो सेल करने से पहले अगर आपको ज़रा सा भी आप रिस्क उठाना नहीं चाहते तो ये जो नीचे जो बार्स है ना, बार का भी कन्फर्मेशन चेक कर सकते हैं, मतलब बार अगर रेड में फॉर्म हो गया तो 100% वो वर्कआउट करेगा, वो सिग्नल 100% नीचे जाएगा। एंड स्टॉप लॉस एक प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप भी देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा कैसे स्टॉप लॉस फॉलो करना है, यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सेक्शन है, जो भी कस्टमर्स हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ परचेस करते हैं उनको हम एक ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें फुल उनको ट्रेन मिलेगा। इसका एक्स्ट्रा कुछ टेक्निक्स है इसमें फॉलो करने का, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका ट्रेनिंग सेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से टेम्पलेट के अंदर जितना भी वर्शन हम यूज़ करते हैं, हम अभी तक रिलीज़ किया है वो एक्चुअली हम फुल वर्शन, जो अभी लेटेस्ट रनिंग वर्शन 7.1 है, तो 7.1 में
अगर एक कस्टमर हमारा 7.1 परचेज किया है तो उसके साथ जितना भी वॉच नाम ने अभी तक रिलीज़ किया है वो एक साथ इंस्टॉल करते हैं, एंड एक और वॉच नाम रिलीज़ करने के लिए एक्चुअली अभी ऑलमोस्ट वो फिनिश हो गया, अप्रैल तक हमारा 8.0 रिलीज़ हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली हमारी अभी नया सेटिंग के हिसाब से अभी अभी जो नया इंस्टॉल कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर कस्टमर का, उनके सिस्टम में एक सेपरेट कोडिंग करके दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक अपडेट होने के लिए। तो नहीं तो हमारा ओल्ड कस्टमर के लिए कस्टमर्स हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपडेशन के लिए। तो जैसे अप्रैल लास्ट तक हमारा रिलीज़ होगा तो ऑलमोस्ट अभी हमारे वीडियो ट्यूटोरियल एंड PDF हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा कस्टमर्स के लिए वो एक मेल थ्रू मिलेगा। नहीं तो उनको सभी कस्टमर्स का डिटेल्स हमारे पास है तो उनको एक मेल मिलेगा इसका वीडियो ट्यूटोरियल PDF के साथ। अगर वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुआ तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स। थैंक यू।